वीरू भगवान के लिए प्लीज एक एक बार डॉग गॉड लेवल परफॉर्मेंस दिखा दे। और वहीं पे गिल ने पट से हेडशॉट लगाया, यहाँ पर एक ओपन है, दूसरे ओपन को यहाँ पे नॉकआउट कर दिया। रौनक यहाँ पे K98 का शॉट खा के नॉकआउट हो चुके हैं, बट चिंता मुझे टॉप की नहीं है, चिंता मुझे यहाँ पे बॉटम्स की है। बिकॉज सेवन सीज ने भी ग्रुप स्टेजेस सेमीफाइनल्स काफी अच्छा खेला, अगर वो ऐसे ही एक दो पॉइंट से एलिमिनेट हो गए देन ट्रस्ट मुझे नींद नहीं आने वाली। बिकॉज इन द गेम नो मेरे भाई हैं, आउट गेम भी काफी अच्छे रिलेटिव, अच्छे दोस्त हैं मेरे, वो रिलेटिव्स हैं वो, मतलब यस। और वीरू से मुझे प्यार हो गया था जब मैं पहली प्यार बार गया था वीरू से, ओहो अरे 10 साल का फर्क है हम दोनों में भाई, बच्चा है वो मेरा, प्यार हो गया था। कितना तू कितना गंदा इंसान है भाई, तेरे से तो बात करना फायदा ही नहीं है, अगर मैंने बताना चालू कर दिया ना तो कितनी बातें करता है तू, फिर देख लियो। ओह माय गॉड, ये जो तू येलो चश्मे पहन के ऐसे घूमता है, ये अब जो पर्सनल हो गया है, पर्सनल नहीं हो रहा अभी ये, मतलब वो बेसिकली नहीं रिवील हो रहे, ये बोल रहे हैं कि आप झूठी बातें बताई जा रही, झूठी बातें तो नहीं है केतन, ऑडियंस बता दो। ए ड्रॉप यहाँ पे आता हुआ, ए ड्रॉप नंबर 2 बहुत चेंज करी आते हुए यहाँ पे 5.56 यहाँ पे विद दैट 4x जो कि हमारे कॉम्पिटेटिव प्लेयर्स को बहुत ज्यादा काम में आएगा। माइक्रो उजी है उनके पास, वो पता नहीं डर क्यों, एक बार चेक तो करेगी ऊपर वाले का घर, ओके भाई क्या है भाई, मत जाइयो। वहीं पे वीरू ने यहाँ पे नॉक कर दिया लैप के, वीरू भी मतलब यहाँ पे पहुंचे हुए सेवन सीज, मतलब यहाँ पे यसनाया पहुंची है और उन्होंने क्लाउनी को यहाँ पे नॉकआउट कर दिया है। एंड ये बहुत बड़ा रिस्क होगा जो सेवन सीज ले रही है, यहाँ पे एमजे एक और प्लेयर को स्पॉट कर चुके हैं और लाइफ क्राफ्ट के प्लेयर अब ओपन फील्ड के अंदर यहाँ पे भागते हुए देख रहे हैं और वीरू अपनी पिस्टल से यहाँ पे, ओके ये क्या हो रहा है, यहाँ पे पंचेस मारने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर सेवन सीज के वीरू को अभी पिस्टल चलाने की कोशिश करेंगे, लगता है एमो खत्म हो चुकी है, अब वीरू भी भागने की कोशिश करे, क्या कर रहे हैं ये क्या हो रहा है, ये कपिल शर्मा चल रहा है यहाँ पे, उसके पास गोलियां तो है बट वो ये कि वो पहले पिस्टल यहाँ पे बुलेट पता नहीं पंची मार दे, पंची मार दे वीरू, वीरू ये तुम्हारा प्यार है जिसके पीछे भाग रहे बिकचिल को, यहाँ पे कोई रोको, मतलब क्रैट का यहाँ पे छोड़ दे यार इसको बेचारे को, यार क्या कर रहा है वीरू यार, हर जगह ऐसे करता है, बट यस वो पीछे वाला ज्यादा तेज कैसे भाग रहा है, ये सेम सीन होगा होटल में, ये पीछे मैं भी भाग रहा होगा और आगे वीरू होगा होटल की कॉरिडोर से, वीरू प्लीज यहाँ से भाग जा मेरे भाई पीछे, यहाँ पे ये क्या चल रहा है, फाइनल बॉस आ चुके हैं अपने प्लेयर को बचाने की और गाड़ी चलाने की कोशिश, और बहुत ही बेहतरीन से वीरू को एक जीवन दान मिल गया, और क्या माफिया मुंडी रही है कि बैकअप बॉयज यहाँ पे गुंडे आए रखे हैं, यहाँ पे बिकचल को भी एलिमिनेट कर देंगे लाइफ क्राफ्ट का यहाँ पे लास्ट गेम के अंदर, जो बच्चा बचा, और ये एक रियलिटी चेक है जो कि अगर पीएमपीएल में जाती है सेवन सीज तो ये सेम चीज देखने को मिलने वाली है होटल के कॉरिडोर में, बाकी कॉम्पिटेटिव प्लेयर्स पीछे, वीरू आगे, वीरू भगवान के लिए प्लीज एक एक बार डॉग गॉड लेवल परफॉर्मेंस दिखा दे, क्या क्यों क्या बोलने वाले थे, ये जुबान फिसल, क्या प्लीज अच्छा खेल के दिखा दे, मेरा दिल है तुझे देखने का ऐसे अच्छे स्टेज पे खेलते हुए फिर से, बिकॉज लास्ट टाइम ही वॉज प्लेइंग फॉर एंटिटी गेमिंग, उसको मौका नहीं मिला था खेलने का, अपने आपको प्रूव करने का, मैं चाहता हूँ लोगों को दिखे कि वीरू के अंदर कितना पोटेंशियल है, सो एक फाइनल ट्राई के लिए वीएजी कॉलेज भी अपना बेस्ट